और अब देश के किसानों की बदहाली से जुड़ी एक नई खबर। अन्नदाता किसान को उसका पूरा हक मिले, इसलिए घंटी हम लगातार बजा रहे हैं। घंटी बजती है तो सरकारें योजनाएं लाती हैं, पर सिस्टम इन योजनाओं के साथ क्या करता है वो आपको उत्तर प्रदेश की इस खबर में पता चल जाएगा। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। जैसे देश के किसानों की बदहाली का मुद्दा हमने कभी छोड़ा नहीं, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार आवाज हम उठा रहे हैं। सरकार तो किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जिस सिस्टम पर इन योजनाओं का जिम्मा है वो ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के एटा में हो रहा है और जहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आरोप है कि एटा के सरकारी धान खरीद केंद्र में अधिकारी और कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे। केंद्र प्रभारी से लेकर मैनेजर और नीचे के कर्मचारी गायब रहते हैं, ना ही यहाँ किसानों को धान की सही कीमत मिल रही है। यही वजह है कि सरकारी मंडी में खोले गए इस धान खरीद केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है और किसान मंडी से बाहर व्यापारियों को अपना धान बेचने के लिए मजबूर हैं। समझ लेते नहीं है, कोई है मैनेजर ना आए तो चपरासी है तो मैनेजर ना आए। 300 रुपया मजबूरी चल रहा है भाई साहब, तो अब काम छोड़े तो कहाँ बेच देते हो अपना धान? अरे तो बेचते हैं, वहाँ आसानी से बिक जाता है। आसानी से तुरंत लाओ, तुरंत तोड़ो, तुरंत पेमेंट होता है। अब एक और चौंकाने वाली बात आप जान लीजिए। 1 अक्टूबर से लेकर अब तक 2000 क्विंटल धान खरीदने का इस केंद्र में लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 29 क्विंटल धान ही इस केंद्र में खरीदा गया, वो भी सिर्फ 2 किसानों ने अपना धान यहाँ बेचा। इस सरकारी धान खरीद केंद्र में मौजूद ये हैं एटा के नोडल अधिकारी रविंद्र नायक, जो पूरे मामले की छानबीन के लिए यहाँ आए हैं, जबकि जिले के डीएम एक दिन पहले ही इस धान खरीद केंद्र पर छापा मारकर केंद्र के प्रभारी भागवत स्वरूप को निलंबित कर चुके हैं। महीन धान है, उसका 2100 से 2500 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ 1750 के लिए क्यों आएगा? पिछली बार 48 आए थे, वो भी नहीं आए इस बार, तो कहीं कहीं 50% में कोई कमी है क्या? नहीं, 48 में सब लोग वो फाइन राइस का फोन पे, कुछ लोगों से फोन पे बात की है हमारे लोग, मोटे धान न होने के कारण फिर इस बार नहीं आए हैं, तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। जांच होगी, धान खरीद केंद्र प्रभारी की तरह बाकी जिम्मेदार स्टाफ पर कार्रवाई भी शायद हो जाए। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने का है जिन्हें किसानों के कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जब तक इस सिस्टम को खुद सरकार ठीक नहीं करती, देश के अन्नदाता किसानों से इसी तरह की नाइंसाफी होती रही। सही तो मिल रहा, बोलने में सही तोड़ता नहीं, कटौती तो नहीं हो रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।